जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी स्टेडियम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया तथा अधिकारी द्वयन ने गांधी स्टेडियम में उपस्थित परेड टीम एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर नगर आयुक्त, नगर निगम बेगूसराय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेगूसराय सदर, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, वरीय उप समाहर्तागण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बेगूसराय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के आयोजनार्थ की जा रही तैयारियों की समीक्षा के क्रम में आज मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी स्टेडियम में परेड के अंतिम पूर्वाभ्यास का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तैयारी अपेक्षानुरूप है तथा शेष तैयारियां भी ससमय पूर्ण कर ली जाएगी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य समारोह स्थल गांधी स्टेडियम में निर्धारित समय के अनुरूप डॉक्टर शमीम अहमद, माननीय विधि मंत्री, बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री बेगूसराय, प्रातः 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा तथा मुख्य समारोह की समाप्ति के उपरांत अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों में झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवसर पर जिला अंतर्गत कुल 98 महादलित टोलों में भी समारोह पूर्वक झंडोत्तोलन का कार्यक्रम निर्धारित है, जहाँ वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में झंडोत्तोलन उस टोला के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा 12 बजे मध्याह्न से पहले किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के दौरान समुचित सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु झंडोत्तोलन मंच, गांधी स्टेडियम एवं समाहरणालय के विभिन्न भागों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ गांधी स्टेडियम बेगूसराय में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन बेगूसराय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेगूसराय गांधी स्टेडियम बेगूसराय की संपूर्ण सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। इसके साथ साथ अपर समाहर्ता बेगूसराय एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गांधी स्टेडियम बेगूसराय के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में होंगे। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में अधिकाधिक आम नागरिकों की सहभागिता एवं उपस्थिति के मद्देनजर उनके प्रवेश एवं निकासी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ध्यातव्य हो कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित परेड समारोह में सैप, BMP-8, DAP, CISF, बिहार होमगार्ड, NCC के विभिन्न कैडर एवं अग्निशमन दस्ता द्वारा भाग लिए जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उत्पाद विभाग, PHED, बरौनी डेयरी, कृषि विभाग, ICDS, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, श्रम विभाग, नागरिक सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, जिला आपूर्ति शाखा, जिला परिवहन शाखा, आपदा प्रबंधन शाखा, जिला पंचायत शाखा, जिला निर्वाचन शाखा, पशुपालन विभाग आदि द्वारा निकाली जाने वाली झांकियों भी निकाली जाएगी। इस अवसर पर गांधी स्टेडियम में जिला प्रशासन एवं आम नागरिक एकादश के बीच खेलकूद प्रतियोगिता तथा दिनकर कला भवन में संध्या 5-7 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन निर्धारित है। सर, थोड़ा साउंड कम सर। 26 जनवरी को लेकर के सर किस तरह का तैयारी, आज निरीक्षण करने भी आए हैं? 26 जनवरी को लेकर गांधी मैदान दोबारा बोल देता हूँ, हाँ जी, आगामी 26 जनवरी को लेके बेगूसराय के गांधी मैदान में भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। इस परेड में 9 प्लाटून है, CISF की, PMP की, जिला पुलिस की, हमारे NCC के बच्चे भी हैं उसमें। तो उस परेड का जो प्रैक्टिस है उसको आज देखने के लिए हम सभी लोग आए हुए थे। परेड के पूरा निरीक्षण किया हम लोगों ने और जो त्रुटियाँ थी उनको ठीक कराया गया है। इसके अलावा 26 जनवरी को पूरे शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की चाकचौबंद व्यवस्था की जाएगी, झांकियाँ भी निकलेंगी और जो प्रोग्राम हम लोग कराने जा रहे हैं वो शांति और अच्छे वातावरण में हो, ट्रैफिक को लेकर किसी को समस्या ना हो, सेरेमनी वो बढ़िया से हो, इन सभी चीज़ों के लिए तैयारियाँ लगभग लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर ली हैं।